अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं शाम की रूटीन। शाम के टाइम मैं सालन बना रही हूँ, भुना गोश्त। तो अम्मी का बहुत दिल कर रहा था, वही बनाने लगी हूँ, तो आपके साथ शाम की रूटीन भी सोचा शेयर करते हैं। और अभी हम लोग जाना अपना भुना गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं माचिस बाहर भूल गई हूँ, मैं माचिस लेके आती हूँ, आप यहीं पे रखिएगा। बस मैं माचिस ले आई हूँ और चूल्हा जला भी दिया है। तो आज भुना गोश्त बना रहे हैं ना, अदरक लहसुन पीस के रखा हुआ मैंने। थोड़ी ये देखिए, मैंने चार प्याजों का इस्तेमाल किया, चार प्याजों का, तीन टमाटर लिए हैं और एक किलो गोश्त। अगर आपको बनाना है तो इसको ढक देते हैं, थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना प्याज, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। तो थोड़ा सा ब्राउन होने देने, फिर उसके बाद हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, टमाटर, और फिर वो खूबसूरत सा मज़ेदार सा सालन बनाएंगे मुर्गी का। देखें इतने इतने प्याज हल्के से ब्राउन करने हैं और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अम्मी भी आ रही है आ रही है, मैंने कहा आ जाओ यार, गप्पे मारते हैं कुछ। आज थोड़ा मुझे पता नहीं क्या यार, मेरा मूड थोड़ा उदास है। आप लोगों के साथ बातें करके बड़ा खुश सा हो जाता है दिल, लेकिन अभी बुझा सा है। अम्मी भी आ रही है, थोड़ा उनके साथ गप्पे मारते हैं। इसमें ना चिकन हम लोग डाल देते हैं ताकि चिकन की ना स्मेल खत्म हो जाए। जब प्याज और ये अदरक लहसुन से हल्के से सोते हो जाए ना, इसमें चिकन डाल देना चाहिए ताकि वो जो है ना अच्छे से स्मेल उसकी खत्म हो जाए। वाओ वाओ, मजे मजेदार, यमी यमी पक रहा है। ओ नमक खत्म हो गया, उधर पड़ा हुआ खाना। चलो अभी थोड़ा बहुत ही, अभी तो ये बहुत है ना। हाँ हरी मिर्च भी काट के डालना, हरी मिर्च भी काट के डाल, अली और मैं मिल के दोनों जो है ना कैमरा मैन बन के बैठे। अगर ये बीफ का और मटन का जो है ना भुना गोश्त, वो भी बहुत मजे का लगता है भुना ऐसा बनाओ तो। बिल्कुल सादा, कोई मसाला इसमें नहीं डलता ज़्यादा। मसाले वैसे भी मैदे को जलन करते हैं, ख़राब करते हैं, तो इसलिए सादा, बिल्कुल सादा है और मज़ेदार भी बहुत लगता है। इसका अपना ही एक मज़ा होता है, सादगी का भी बड़ा मज़ेदार होता है। दही भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, दही भी डाल लो। अब इसको ढक देते हैं। नहीं, आप बस टमाटर काट के डालो और इसमें मसाले डालो, मिर्ची डालो, हल्दी डालो, सब कुछ डाल दो। ठीक है, इसी के साथ फिर आप ऊपर से ढक्कन बंद करके थोड़ी देर छोड़ देना बनाओ। और है लेकिन नहीं सही है, इतने काफ़ी, क्योंकि वो कौन सा वो करना है, ग्रेवी वाला बनाना है। अगर इसके साथ जीरे वाले चावल बनाए जाए तो वाओ बहुत मज़ा आता है। जीरे वाले हो, मटर वाले हो, पुलाओ, लेकिन सादा वाला। इसमें दरदरी मिर्च डालना है, कुटी हुई जिसको बोलते हैं, दरा मिर्च, वो डालना। वैसे खड़े मसाले डाल के बनाओ तो और भी मज़े का बनता है, लेकिन हम लोग नहीं डाल रहे। चल बस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अभी इसकी ज़रा लिख दिखाओ, थोड़ा सा गर्म डालने लगी। चलो डाल लो, थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला डालो, सौंफ भी,
इसमें सौंफ नहीं डलते। हल्दी थोड़ी सी, हाँ हल्की सी हल्दी है। बहुत है, हाँ बहुत बहुत। आज ये लेके आए चीज़ें, अभी डालनी है डब्बों में। अब इस पे थोड़ा ढक्कन लगा दें। काफी रात हो रही है यहाँ पंजाब में, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, जल्दी टाइम गुजर जाता है। अम्मी हंस क्यों रही हो, वाकई में जल्दी अंधेरा हो जाता है। हमने कौन तो जाके कहीं किसी की शादी पे अभी ज्यादा अंधेरा हो जाए तो नहीं यार, लेकिन ना मुझे सर्दियां पसंद है, लेकिन सर्दियों का मुझे ये काम नहीं पसंद कि टाइम और टाइम अंधेरा हो जाता है, और गर्मियों में बहुत देर से अंधेरा होता है, और गर्मियों में रोशनी भी बहुत जल्दी हो जाती है। ये बस इसको ना थोड़ा सा पानी लगाना है इसमें, ताकि जो ना ये ये पूरा लगा दे, इसमें गलेगा और भून के फिर भी, हाँ बस इसमें गल जाएगा, बहुत है पानी इसमें गल जाएगा, और इसको भून लेंगे फिर। अब इसको और जाना, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं, और फिर सालन तैयार होते ही अम्मी आटा गूंथ जाए यार। आटा अभी गूंदने वाला है, रोटी अभी बनानी है, बहुत सारा काम बाकी है, ऊपर से रात हो गई है, मैं बड़ी टेंशन में हूँ यार, अभी मुझे आटा भी गूंदना है, अभी गूंथती हूँ थोड़ी देर तक। आटा भी गूंदने लगी हूँ यार मैं ना, बस अब सालन होने वाला है, थोड़ी देर तक रोटियां बना लूंगी। बस आटा मैंने गून लिया, डिब्बे में डाल के रखा है, और सालन भी बस कम्प्लीट ही है, अन करीब है, बल्कि अन करीब क्या बन चुका है, बस इसको हल्का सा भून लेते हैं, उसके बाद ये तैयार है। हरा धनिया मैं लेके आती हूँ, तब तक आप सालन की शक्ल देखें। सारा कितना मजे से बना यार, देखो अम्मी फोन आ रहा है आपका, अबू का ही होगा कॉल। इसका
बना दिया, मजे मजे से शाम का खाना खाएंगे हम लोग। ये हुआ से शक्ल दिखाओ यार, अभी चूल्हा बंद कर दो। हमारा भुना गोश्त हो गया तैयार और आज की शाम की रूटीन आपके साथ कर दिए शेयर। मिलते हैं न्यू वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती ढेर सारी खुशियां दे, आमीन सुम्मा आमीन, मुझे भी दे आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो में मुझे याद तो आप लोग हमेशा ही करते हैं, अच्छे से कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है यार। बहुत लोगों ने मेरे फेक जो है ना चैनल बना के रखे हुए हैं और अल्लाह माफी दे जो पहले व्लॉग्स होते थे उनमें से वीडियोस निकाल निकाल के अपने चैनल पर लगा लगा के ना वो मेरा चैनल बना के रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यही चैनल है, मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ आपको पता ही है। तो मेरे चैनल पे आए, मेरी चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोस देखें, अच्छे से कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।